हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक में हूँ आपका अपना राजभर। आज आपके सामने यामाहा R15 V4 रेड ब्यूटी और इसके अंदर मॉडिफिकेशन देख सकते हो। इसके अंदर सबसे पहले लगा देंगे टैनर स्टाइल वाले मिरर, जो कि आप देख सकते हो। इससे लुक काफ़ी एनहेंस हुआ था। लुक के साथ साथ ना इसमें देखिएगा पूरे का पूरा पीछे का नज़ारा, ये देखिए फुल विजिबल होगा इसके अंदर बैक साइड के अंदर। और जब ये मिरर लग जाता है, मिरर लगने के बाद आप पीछे का भी देख सकते हो और आप चाहो तो इसे आगे भी कर सकते हो जैसे मर्जी। मतलब विंग्स का भी पूरे पूरे काम करते हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के। और जैसे कार के रोटेशन सिस्टम होता है, देखिए एडजस्टिंग रोटेशन सिस्टम इसके अंदर सारा दे रखा है, जिस तरीके से जैसे चाहे साइड से आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और साथ में इसमें नीचे लगा दिए गए विंगलेट, जो कि इसको लुक को करते हैं काफ़ी इनहेंस। और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा इसके अंदर, साथ में इसमें देखने को मिलेगा आपको लीवर, जो कि फोल्डिंग प्लस एडजस्टिंग वाले लग जाते हैं। इसके अंदर से लगने के बाद ना लुक काफ़ी इनहेंस हुआ। और साथ में ना आप चौथे से एडजस्ट भी कर सकते हो अपने फिंगर के अकॉर्डिंग जैसे मर्जी। और इधर भी आप देख सकते हो, ये भी आपको 1-2-3 सिस्टम जो है वो मिल जाएगा आपको कुछ इस तरीके से, इस तरफ भी और सेम इस तरफ, दोनों तरफ मिल जाएंगे आपको। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर नीचे की तरफ, ये आपको होगा शॉक प्रोटेक्शन, ये हो गया फॉक्स लैडर। शॉक प्रोटेक्शन फॉक्स लैडर लगाने का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि जब भी राइड करते हो ना, अगर यहाँ पे साइड में कुछ लगता है तो आपका USG शॉकर हो जाता है पूरी तरह ख़राब। साथ में आपको मिलता है इसके अंदर फॉक्स लैडर, जिससे आपकी डिस्प्ले डेबिल प्लेट ये भी होती है सेफ, इस तरफ से भी एंड इस तरफ से भी। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर व्हील कवर, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए। इसे लगाने के बाद लुक काफ़ी इनहेंस हो जाती है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर रेडिएटर गार्ड, अंदर देखने को मिलेगी आपको रेडिएटर गार्ड। रेडिएटर गार्ड लगाने का जो मोटिव होता है, जब आप गाड़ी राइड करो, राइड करने के बाद अगर जो इसी केस में पत्थर वगैरह लगा तो रेडिएटर डैमेज ना हो, उस लिए लगाया जाता है इसका रेडिएटर गार्ड। साथ में की कवर देखने को मिलेगा, CNC का होता है और जिससे लुक काफ़ी इनहेंस हो जाता है की। और इसके बाद आपको मिलता है इसके अंदर इंडिकेटर बल्ब विद हैजार्ड, इसमें भी कनेक्टिंग हो गया आपका। साथ में आपको देखने मिलेगा नीचे बॉडी इंडिकेटर है, जो कि आपका हैजार्ड कनेक्टिविटी हो जाती है इसकी, जितनी बार पुश करूँगा उतनी बार ऑटोमेटिकली इसके पैटर्न्स हो जाएंगे आपके चेंज, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। और जो कलर है आपको मिल जाता है ऑरेंज एंड ब्लू कलर का। साथ में इसमें लगा देगा फ्रेम स्लाइडर, फ्रेम स्लाइडर गाड़ी कलर मैचिंग के हिसाब से लगा, ये है आपके ओरिजिनल वाले मोटर जिन्हें इसके ओरिजिनल इसके अंदर लगा देंगे आपके फ्रेम स्लाइडर। जैसे ही गाड़ी आपकी इनकेस गिरती है तो आपकी बाइक हो जाएगी पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि फेयरिंग होता है इसका सेंसिटिव पार्ट, और ये इसमें लगा देगा जैसे गिरने के बाद कभी भी आपकी बाइक की फेयरिंग्स नहीं टूटेगी दोनों तरफ से। इधर आपको देखने मिलेगी साइड स्टैंड जैकेट, जो भी गाड़ी कलर मैचिंग है ये भी इसके अंदर लगा दी गई है, लुक इनहेंस भी होती है। साथ में ना स्टैंड भी होता है सेफ, आपकी बाइक स्टेबल खड़ी रहती है इसे लगाने के बाद। और इधर देखने मिलेगा आपको, देख सकते हो चेन कवर रेड कलर का, ये भी लगा दी गया जिससे लुक काफ़ी इनहेंस हो जाती है। इसके बाद आपको देखने मिलेगा इस तरफ शार्क एंड मरगार्ड, ये भी लगा दिया रेड कलर का, जिससे आपका अंदर देख लो डस्ट वगैरह जमी हुई है वो डस्ट वगैरह पूरी तरीके से हो जाएगी कंट्रोल, क्योंकि अब ये लग गया बड़ा है, जो भी डस्ट आएगी वो डस्ट अंदर शॉकर पे नहीं लगने वाले बिल्कुल भी। उसके बाद आपको देखने मिलेगी इसके अंदर ग्रैब रियल, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। इसे लगाने के बाद आपका जो पीछे की अंदर टेल, ये टेल जो होती है आपकी, ये टेल भी जाती है पूरी तरीके से, क्योंकि जब भी राइड करते हो या किसी को बिठाते हो तो वो यहाँ पर पकड़ कर बैठते हैं तो ये टूटने का खतरा ज़्यादा होता है। आगे पीछे भी करने ना देखो इस तरीके से, ये देखो आगे पीछे करने के भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, देखिए जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। साथ में आपको मिलेगा साइलेंसर प्लेट, ये आपकी एग्जॉस्ट प्लेट है, ये भी इसके अंदर लगा दी गई है जिससे आपका साइलेंसर भी ख़राब नहीं होता और लुक भी काफ़ी इनहेंस हो जाती है। इधर आपको देखने मिलेगा इसके अंदर सीट कवर, जो कि मिलता है कुशनिंग विद कवर, ये भी इसके अंदर लगा दी गई। इसे लगाने से जब भी आप राइड करते हो काफ़ी कम्फर्टेबल आपकी राइड हो जाती है इसे लगाने के बाद। साथ में इसके अंदर टैंक लाइट भी लगा दी, देख सकते हो, जिससे अंदर देख लो ये आपका आ रहा है ब्लू कलर का, आप चाहते हो तो कोई भी कलर लगा सकते हो, इस तरफ भी है एंड इस तरफ भी है। ये लाइटिंग भी इसके अंदर लगा दी गई है, जो कि जब नाइट में चली तभी पता लगेगा इसका क्या यूज़ होगा रास्ते में। वैसे तो लुक काफ़ी इनहेंस हो जाएगी चलने के बाद चलते हुए। और यहाँ पर आ गया इसकी कंडीशन कम्प्लीट। अब मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको कैसा लगा, आइए भैया। तो ये हमारे विकास भैया हैं हरियाणा से, ऐसे सच बोल रहे हो क्या? हाँ जी। और इसमें तो सच बोल गया। तो हेलो विकास भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो वाकई में हरियाणा से आए हो? हाँ जी। मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं, गुड़गांव से आया। गुड़गांव से? चलो जी। तो कैसा लगा आपको काम वगैरह करा? बहुत अच्छा लगा जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सारा काम एक नंबर लगा? एक नंबर। जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ आपसे? ना ना, जबरदस्ती नहीं बुलवा। और ये बताइए कि आप जो सोच कर आए थे वैसा काम हुआ है, उससे अच्छा हुआ है, बेकार हुआ, कैसा? जैसे वीडियो में वैसे ही काम हुआ। जैसे वीडियो वैसे ही काम हुआ जी। रेट वगैरह कैसे लगी? क्वालिटी बहुत अच्छी, क्वालिटी स्टाफ वगैरह और जो बिहेवियर एटमॉस्फेयर है कैसा लगा आपको? सब बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है जी। और कोई हमारा भाई बंधु आना चाहे तो क्या रिकमेंड रहेगी? जो भी आए यहीं आए। थैंक यू सो मच सर आने के लिए।
तो ये थे भैया जिन्होंने अपनी बाइक की पूरी मॉडिफिकेशन करा ली है। और आपको भी कराना है ऐसा कोई भी काम, अपनी किसी भी बाइक किसी भी स्कूटी के अंदर, चाहे नॉर्मल बाइक हो, चाहे सुपर बाइक हो, चाहे आपकी कोई सी बाइक हो, हर तरीके की मॉडिफिकेशन हो जाती है आपके अपनी शॉप राजू भाई की शॉप पर, जो कि मिलते हैं आपको दिल्ली के करोल बाग नाइन के। जब भी आप आते हो तो एक चीज़ का ध्यान दें, हमेशा स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, वैसे तो कॉन्टैक्ट कर लें, व्हाट्सअप करना हो व्हाट्सअप कर लें, कॉल करना हो तो कॉल कर लो, क्योंकि जब भी आप कन्फ्यूज हो जाते हो ना मार्केट में आने के बाद कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, कन्फ्यूज जरूरत नहीं है। और लोकेशन वैसे डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, एड्रेस भी डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप चाहे वहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे अपना यूट्यूब, कहीं से भी आप निकाल सकते हो, हर जगह हमने डाल रखी है। बाकी करना क्या पता ना आपको, वीडियो चलो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपका ये भाई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो एंड ब्लॉग्स लाता रहता है। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रहे जस्ट, गुड बाय।